देखिए जिंदगी को बेटर समझने के लिए जो ह्यूमन के पास है वो ये ब्रेन है, और ब्रेन का जो मैक्सिमम पार्ट ह्यूमन ने यूज किया है वो लॉजिक, ठीक, रीजनिंग। तो लॉजिक दो तरह का है, एक इंडक्टिव जिसको बोलते हैं प्रोसेसेस, दूसरा है डिडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग जो है पर्टिकुलर इंस्टांस से, मैं कैसे याद रखता हूं, इंडक्टिव रीजनिंग से इंस्टांस, इंस्टांस का आप एग्जाम्पल बाद में बना लो, केस बना लो, सिचुएशन जो भी बनाना है, पर्टिकुलर इंस्टांस से जनरल कंक्लूजन जो निकालते हैं इस प्रोसेस को इंडक्टिव बोलते हैं। जब हम जनरल स्टेटमेंट्स जो है, जनरलाइजेशंस ऑलरेडी हमारे पास हैं, उनको हम पर्टिकुलर केस पर अप्लाई करते हैं, इंस्टांस पर अप्लाई करते हैं, सिचुएशन पर अप्लाई करते हैं, उसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जनरली कि इंडक्टिव क्या है, पी से जी या जी से पी। इंस्टांस को बस याद रखो, इंडक्टिव को याद रखो, इंडक्टिव से इंस्टांस। तो पर्टिकुलर से ये हो गई पी आई यहां लिखा, पर्टिकुलर से जनरल हो गई, डिडक्टिव इसके बिल्कुल उल्टा। जो सिलोजिज्म है, एरिस्टोटल की मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो सबसे शुरू में रही है अरिस्टोटल, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है। जब हम न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल, है ना, तो वो पर्टिकुलर एग्जांपल से है तो शुरू होती, दैट इज वाई वो इंडक्टिव रीजनिंग है। ये जो हम करने जा रहे हैं ये डिडक्टिव रीजनिंग होगी, हमारे पास जनरलाइज कंक्लूजन होंगे, उससे हम जो नया कंक्लूजन वैलिड है नहीं है, पर्टिकुलर कंक्लूजन, तो वो देखना है हमें, वो कंक्लूजन इन्फ्रेंसेस। दूसरी बात है कि जो प्रोपोजिशंस जहां कंक्लूजन ऑलरेडी जनरलाइजेशन मानी गई है वो एज्यूम्ड टू बी ट्रू होंगी, मतलब जैसे बात होगी ऑल टेबल्स आर मेन, है ना, एक्चुअल में नहीं होते इंपेरिकली, लेकिन यहां कैसे रीजनिंग करनी है कि उसको आपने ट्रू मानना है। ये नहीं है कि आपको अपने पहली बार दिखा यार ये कैसे हो सकता है कि टेबल मैन कैसे हो सकता, वुमेन आर चेयर्स, ऐसे नहीं हो सकता, इंपेरिकली नहीं हो सकता, लेकिन इस सिलोजिज्म में ऐसे मान के आपको चलना है कि जो प्रोपोजिशन दी गई है, कंक्लूजन या जनरलाइजेशन या स्टेटमेंट दी गई है, दो स्टेटमेंट दी जाती है, उसको ट्रू मानना है। एरिस्टोटल की ही बेस्ट एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन, ऑल मेन आर मॉर्टल, कि सभी जो ह्यूमन बीइंग है वो मरणशील है, सोक्रेटिस इज ए मैन और सुक्रात इज मॉर्टल, सभी मरणशील हैं, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, इट मीन सुक्रात क्या है, एक ह्यूमन है, यहां डॉट आ गया, तो ये डॉट भी तो मरणशील हो गया ना, ये कंक्लूजन ऐसे निकालना है। तो हमने कुछ लर्निंग स्ट्रेटजीज सीखनी है जिससे हम ये बेटर कर सके, क्योंकि जो एग्जाम में ये लॉजिकल रीजनिंग सिलोजिज्म आते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ये जो आपकी प्याजे की थ्योरी है, जहां कंस्ट्रक्टिविज्म है, जहां प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है, लर्निंग के हैं, वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट बना लेते हो तो आप उसको इजी लर्न कर लेते हो, इजी सॉल्व कर लेते हो, दैट इज वाई हमारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आता है तो ये ऑल सन्स आर मून्स दी गई है, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट, इनको आप कंक्रीट बना लो, रिलेशनशिप को कंक्रीट बना लो, तो मेरे मुताबिक मुझे जो लगता है तो वो आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, ऑल सन्स आर मून्स, इसको यूज कैसे करना है साथ साथ में करके बताता हूं। वेन डायग्राम मैं यूज करता हूं, आपको पास और स्ट्रेटजी और भी स्ट्रेटजीज इसकी हैं, लेकिन इजी और साइकोलॉजिकल मुझे यही लगती है। सबसे पहले आ गया कि मैंने सर्कल लगा लिया, ऑल सन है ना, तो मैंने ये देखा कि ये सन है, ये एम है, मुझे पूरा सन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एस लगा दिया, और क्या है ये मून है, तो एक बड़ा सर्कल लगाया उसमें एम लिख दिया, ठीक। ऑल मून्स आर स्टार, तो ये मून्स है, ये इधर स्टार, इसका मतलब है इसका बड़ा सर्कल लगा हुआ, ये स्ट्रेटेजी है। अब ये क्या है, ये सन्स है या स्टार्स है, मुझे कहीं उलझन में ना पड़ जाऊं, या तो मैं इसको एस यू लिखूंगा या इसको एस टी लिख लूंगा, जल्दी जल्दी से मुझे याद रहे। अब
ऐसे केस में होता क्या, ये इजीएस्ट है एग्जांपल, ऑल सन्स आर मून, ये ठीक रहेगा, ऑल सन्स आर मून ठीक रहेगा, ऑल सन्स आर स्टार ठीक रहेगा। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप आओगे, वापस आओगे, तो क्या ऑल स्टार आर मून है, ये नहीं आप निकाल सकते। ऑल क्या ऑल स्टार्स आर सन्स हैं, ये भी आप नहीं निकाल, डाउटफुल रहेगा। तीन तरह के यहां होंगे, ये भी समझ लीजिए। एक तो 100% श्योर, ठीक है, एक 100% ट्रू हो गए, एक 100% फॉल्स हो गए, एक डाउटफुल है, 50-50। कई 50-50 हो गए, मैं 33-33-33 भी बताऊंगा। हाँ, आपको तीन तीन ऑप्शन हो सकती हैं। तो अगर आप ये देख लेते हो कि इसमें से ये निकलता है, इसमें से नहीं, तो आपके लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अच्छा, इसमें से ये नहीं निकलता। और अब क्या आप ये सोचते हो कि अगर और था, लेकिन सम स्टार्स आर मून, ऐसे निकल सकता है? यस, ये निकल सकता है। सम स्टार्स आर क्या है, सन्स, ये निकल सकता है? यस, ये निकल सकता है। तो सम मून्स आर सन्स, ये निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। ये एरो को बना के आप एक बार अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, नेचुरली उस तरह के क्वेश्चन आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अब ये देखते हैं, दोबारा बनाते हैं, ये जो इतना कर दिया, इस गड़बड़ को उठाएंगे यहां से, ये इसकी जगह पर ये पेन ले लेंगे, कलर कलर रेड वहां पर है, यहां पर ये ग्रीन ले लेंगे, ग्रीन भी यहां पर है, तो हम किसी और कलर का ले लेंगे, ये ले लेंगे भैया, हमारे पास कौन सा नहीं है, नीला ले लेंगे। ओके, तो ऑल सन्स आर मून, ये मैंने बनाया सर्कल, ये बनाया सन लिखने के लिए, ये बना दिया मून, ठीक है, मून, और ये मैंने बना दिया ऑल मून आर स्टार, ऑल मून आर स्टार स्टार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये कंक्लूजन है। अब ये देखना है कि क्या ये पहला ठीक है, ये पहले वाला यहां लिखा, ये पहला ठीक है, जहां सिर्फ दूसरा ठीक है, जहां ये वाला दोनों ठीक है, जहां इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, तीसरा इनमें से आइदर है, ई आई टी एच ई आर, मैं ऑप्शन दिखाता हूं आपको। तो हमने ये देखना है पांच इनमें से कौन सा निकलता है। ऑल मून्स आर सन, ऑल मून्स आर सन, ये नहीं, ऑल नहीं हो सकता, पहला नहीं निकलता, एक क्रॉस हो गया, इसको रब कर दें, ये हो गया रब, ये नहीं हो सकता पहला। और दूसरा ऑल सन्स आर स्टार, ऑल सन्स आर स्टार, यस ये ठीक है, इट मीन सेकंड निकल रहा है 100%। तो डाउट वाले नहीं पूछे गए, इसको ही क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करना है, तो डाउट वाले पूछे जा सकते हैं कि और ऑप्शन दी जा सकती है कि ये निकल सकते हैं, क्या ये डाउटफुल होगा या ये ट्रू होगा या पूरा फॉल्स होगा, वो बात अलग है, यहां हम सिंपल से शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑल रैट्स आर डॉग, ये मैं बनाने लगा हूं, ये लिख लिया मैंने आर, ठीक है, और ये डॉग, सेव हो रहा है, होने दो, डॉग भी, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट्स। अब कंक्लूजन क्या है, ऑल रैट्स आर कैट्स, ऑल रैट्स आर कैट्स, रेड से है, इधर को जाऊंगा, इधर से ये निकलेगा, ये याद रखना है, जहां प्रैक्टिस करके देख लो, ये वाला राइट है, फर्स्ट वाला राइट है मेरे हिसाब से, ये ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल कैट्स आर रैट्स नहीं है, ये ऑल है, ठीक है, अगर यहां होता सम तो ये ठीक होना था, लेकिन यहां ऑल है, दैट इज वाई 100% ट्रू नहीं है ये, तो फर्स्ट राइट आंसर निकलता है। नेक्स्ट इज ऑल ट्यूब्स आर हैंडल, ऑल कप्स आर हैंडल। सिंपली अगर रूल अप्लाई करना है, अगर आपको सभी रूल पता है, तो सिंपली ये पता चल सकता है कि इसमें से कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर जो मिडल टर्म है, दोनों स्टेटमेंट्स में मिडल टर्म है, वो ओवरलैप नहीं है, जहां वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ट्यूब्स आर हैंडल, जो टर्म दो बार आ रही है दोनों स्टेटों में, उसको मिडल टर्म कहा जाता है, तो मिडल टर्म इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होते कि ऑल ट्यूब्स आर हैंडल्स, ये ऐसे होता, और दूसरा होता ऑल हैंडल्स आर, है ना, कप्स,
यहां पर हैंडल आया है, ऑल हैंडल की बात की गई है, यहां पर फिर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होना था, फिर कंक्लूजन निकल जाना था। ठीक, अगर आप सभी रूल्स को अभी याद करना चाहते हो तो वो मेरे मुताबिक, मैं क्या सिलोजिज्म को सॉल्व करने के मैं सॉल्यूशन, एक तो सिंपल रूल है ओके, दूसरे कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन भी करना है ना, वो मैं इमेज दिखा देता हूं आपको, जो अरिस्टोटल ने स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन दिया है, ये गलत है तो ये ठीक होगा, ये दोनों इकट्ठे आते हैं तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या सब कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या सब अल्टरेशन है। अब ऐसे जब आप रूल लर्न करने की कोशिश करोगे तो आप उलझ जाओगे, जिसको मैंने कॉम्प्लेक्स कहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। जो सिंपल हो गए वो यहां भी साथ साथ में बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक अभी मैंने बताया आपको, जब मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ये सिंपल रूल है, ये लर्न कर सकते हैं। अगर ये रूल इसी वर्डिंग में याद नहीं रहता, अगर जो टर्म दो बार आ रही है वो मिडल टर्म है, वो कॉमन टर्म है, वो ओवरलैप अगर हो रही है तो कंक्लूजन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। उसकी एग्जांपल क्या है, ऑल टी आर एच बताया है ना, अगर यहां होता सम एच जहां ऑल एच, यहां एच आता आर पप्स ओके, यहां जो आई है टर्म वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की शुरू की स्टेटमेंट में यहां अगर आती है, तो ये सिंपली बता रहा हूं सिंपल रूप में, तो ये जो कॉमननेस यहां पर आई है इसको मिडल टर्म की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मैं ये सुजेस्ट करता हूं कि आप जो इनिशियल लेवल पर सीख रहे हो इस उलझन में मत पड़िए। अगर आपको पता चलता है कि मिडल टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अदरवाइज मेरा जो मेथड है कि हर आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हो, आप हर स्टेटमेंट या प्रेमिसेस जो है उनका एकदम वेन डायग्राम बनाओ और उससे कंक्लूजन हर तरह का निकल आता है मेरी वो। तो मैं क्या सुजेस्ट करूंगा, एक आप जो सिंपल रूल होगे वो मैं साथ में बताता चलूंगा, और दूसरा वेन डायग्राम हर का बनाऊंगा, और यहां पर अगर दो ही ऑप्शन है तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम और कितने जो कंक्लूजन है इसमें से निकलते हैं 100% ट्रू, 100% फॉल्स और डाउटफुल। तो आइए देखते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हो, रूल को सीखना चाहते हो, यहां पर स्क्वेयर ऑफ ओपोजिशन, ये रहा स्क्वेयर ऑफ ओपोजिशन है ना, तो ये है ऑल, ये लिखा है ऑल एस आर पी, ठीक है, तो यहां है नो एस इज पी, यहां पर है सम एस आर पी, यहां पर सम एस आर नॉट पी, ठीक। तो ये अगर आप लर्न करना चाहते हो, वैसे इसकी डिफरेंट वीडियो देखिए, वो डिटेल में है, तो लर्न करते करते आप कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाओगे, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूं अब, फॉर एग्जांपल ऑल एस आर पी नो एस इज पी, ये कॉन्ट्ररी है ओके, ये दोनों सम एस आर पी सम एस आर नॉट पी सब कॉन्ट्ररी है, ठीक। तो ये जो ऑल एस आर पी सम एस आर पी ये सब अल्टरनेटिव है, ये भी सब अल्टरनेटिव है, ये वाली स्टेटमेंट, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इनके मीनिंग समझते हुए, एग्जाम्पल देखते हुए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को समझते हुए आप उलझ जाओगे। ए टाइप स्टेटमेंट, ओ टाइप स्टेटमेंट, आई टाइप स्टेटमेंट है ना, ई टाइप स्टेटमेंट, उसको समझते हुए सिंपली, अगर सिंपल सिंपल कैसे हम लर्न कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों सम वाली आती है स्टेटमेंट, सम वाली है ना, तो कंक्लूजन नहीं निकल सकता, कंक्लूजन नहीं निकल सकता, ये सिंपल है, ये लर्न कर सकते हैं हम। दोनों नो नो वाली आ गई है, ठीक है, तो भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अच्छा, एक सम वाली आ गई है, एक नो वाली आ गई है, तो भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इट मींस सम और नो वाली से कंक्लूजन मोस्टली नहीं निकलते, ये रूल आप इजीली समझ सकते हो। आप सिंपली की क्या क्या कीजिए, यहां लिखिए सम और यहां लिखिए नो, ठीक है,
अगर ये भी दो है तो नो कंक्लूजन, अगर ये भी दो है तो नो कंक्लूजन, अगर एक ये और एक वन प्लस वन है तो भी नो कंक्लूजन, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। ये तो भी ये सिंपल है। और मैंने क्या बताया कि कब कंक्लूजन नहीं आता, इसको रब कर देते हैं, यहां से उड़ा देते हैं, ये रहा। और क्या बताया कि कब नहीं निकलता, जब मिडिल टर्म, मिडिल टर्म जो कॉमन है क्या था, ऑल ए आर बी। अब अगर यहां पर ऑल ए सम ए बी और नो इनमें से कोई भी हो लेकिन बी यहां पर आए, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, जहां सम बी आर सी, जहां नो बी इज सी, तो कंक्लूजन निकलने की संभावना है। अगर ये आता है ऑल ए आर बी, यहां पर कर देते हैं ऑल ए आर बी, इसकी जगह पर अगर आता है ऑल सी आर डी, है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये जो एग्जांपल हमारी थी देख रहे हम यहां पर, तो ये ऐसी है। लेकिन इसी को मैं कैसे कहता हूं कि कैसे सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम को, वो मैं मेरा तरीका जो है, क्योंकि मेरे तरीके में ये है कि कोई भी प्रॉब्लम आए बस वही वेन डायग्राम ही अप्लाई करना है, बस वो बनाने की प्रैक्टिस है आपको, वो मेरे ख्याल में इतने में आ जाएगी आपको। ये नेक्स्ट में चलते हैं, और ये रहा आपका अब मैं वेन डायग्राम से इसी बात को समझाने लगा हूं। स्टेटमेंट है ऑल ट्यूब्स आर हैंडल्स, ये क्या किया मैंने यहां पर बड़ी बना ली और ये ट्यूब यहां लिख लिया, ट्यूब्स आर हैंडल्स, और बड़ी वाली इसलिए बनाई आता आपको पता चल जाए, और यहां पर लिख लिया एच, ये देखा इससे एच हो गया और ये टी हो गया। अब ऑल टी आर एच है, ये मैंने एरो दे दिया, ऑल टी आर एच है, ठीक है, ये अपने आप को याद रखने के लिए दे दिया। और ऑल कप्स आर हैंडल, ऑल कप्स आर हैंडल, इनमें हैंडल जो है बाहर आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऑल कप्स कहां आएंगे ये प्रॉब्लम है, क्या वो यहां आएंगे। अब मैंने डॉट तो डाला क्योंकि ये डाउटफुल है, क्या कप, ब्लैक से करता हूं, क्या कप यहां पर आएंगे जहां टी से बाहर आएंगे कप, ठीक है, अच्छा जहां ये जो टी बनाई थी इससे बाहर आएंगे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ऑल कप्स आर हैंडल ये यहां पर आए, ट्यूब्स आर हैंडल तो ठीक है। अब ऐसे भी कंक्लूजन वो नहीं देते कि जो इसी को रिपीट कर दिया, वो तो है ही है, उसमें से क्या कंक्लूजन निकालना है। यहां पर कंक्लूजन कौन से दिए गए हैं, ऑल कप्स आर ट्यूब्स, ऑल कप्स, अब ऑल कप्स का कैसे निकालें हमें अगर ये नहीं पता कि ऑल कप्स आर ट्यूब्स, है ना, अगर ट्यूब यहां थी और कप इसके बीच में था, अगर ये कप बीच में था और ट्यूब ये जो डॉट मैंने लगा रखे हैं यहां पर है, यहां पर नहीं, ट्यूब अगर यहां पर है, यहां पर, ठीक है, पूछा क्या गया है, ऑल कप्स आर ट्यूब, ऑल कप्स आर ट्यूब, फिर ये ठीक होना था, यहां क्योंकि डॉट लगाए हैं इतनी ये डाउटफुल है तो पहले वाला कंक्लूजन नहीं निकल सकता, ये वेन डायग्राम से स्पष्ट हुआ। सम हैंडल्स आर नॉट कप, सम हैंडल्स आर नॉट कप, तो ये तो निकल ही नहीं सकता ना, क्योंकि कप की हमें असल सिचुएशन पता ही नहीं है। अच्छा अगर इसी को ही कि सम हैंडल्स आर नॉट कप, इसी को ही आपने देखना है कि ये कंक्लूजन नहीं निकल रहा, उसका दूसरा लॉजिक क्या है कि ये रूल है कि कंक्लूजन में मिडल टर्म शामिल नहीं होती। मिडल टर्म कौन सी है, मिडल टर्म को आप समझ लीजिए कि जो कॉमन है दो बार आ रही है, अगर जो दो बार टर्म आ रही है वही टर्म यहां पर है कंक्लूजन में, तो वो बाय रूल कंक्लूजन में शामिल नहीं होती।
तो दैट इज वाई ये कंक्लूजन भी नहीं निकल सकता, ये तो निकला ही नहीं है, क्योंकि ये डाउटफुल है, डॉटेड है, दैट इज वाई इजीली और जल्दी आप दोनों कंक्लूजन यहां पर नहीं निकल सकते। जो कंक्लूजन किसके बारे में निकलता है, जैसे ऑल ट्यूब्स आर हैंडल, ऑल कप्स आर हैंडल, हैंडल हो गया मिडल टर्म, ओके ये मिडल टर्म होगी या कॉमन टर्म इसको बोल सकते हो ओवरऑल। और जो अंडरलाइन में की है ट्यूब और कप, कंक्लूजन किसके बारे में निकलने हैं, यहां पर कंक्लूजन अगर ट्यूब और कप के बारे में, उस पर सोचना पड़ेगा। ये पहले जो था कप और ट्यूब का था, ये इनका रिलेशन निकल रहा है, इनके बारे में कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक। तो अगर मिडल टर्म आपकी बीच में आ रही है तो कंक्लूजन नहीं ड्रा हो। अगर इस डायग्राम के बारे में कंफ्यूजन हो रही है तो सिंपली ये है कि हमें ये नहीं पता कि कप जो है वो टी के क्यूब के बीच में है या कप ट्यूब के बाहर है। अगर ये तीन नहीं बन रही, आप तीन इसको डिलीट कर सकते हो, कि कप ट्यूब के अंदर है या ट्यूब के बाहर है। जब तक ये नहीं पता तो ऑल कप्स और ट्यूब आप नहीं निकाल सकते, ठीक। तो हाँ, अगर आपको ये श्योर होता कि कप जो है ट्यूब के अंदर है, यहां पर ये मैं तीसरा ड्रा करने लगा हूं दूसरे रंग से, आपको कंफ्यूजन ना हो, ये वाले से कर लेता हूं, कहां नीले से ये वाले से करता हूं। अगर ये वाली होती, कलर चेंज कर रहा हूं, ये वाली, इसमें बीच में कप होते, ये कप है ना, और बाहर टी यहां होती, क्योंकि यहां पर वो तो निकल ही रहा है, ऑल ट्यूब्स आर हैंडल यहां पर बन रहा है, लेकिन कप की सिचुएशन अगर हमें श्योर होती तो कप बीच में है, टी बीच में नहीं है, टी जो है कप के यहां बाहर सर्कल बन रहा है वेन डायग्राम में, तो आप कह सकते थे ऑल कप्स आर ट्यूब यहां पर निकलना था। ये अगर दिखाई दे रहा है ये वाला, ऑल कप्स आर ट्यूब ये निकल जाना था, पर ऐसी कोई क्योंकि सिचुएशन नहीं दी गई, स्टेटमेंट नहीं दी गई, दैट इज वाई नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल बैग्स आर केक, ऑल लैंप्स आर केक, फिर से वही प्रॉब्लम जो पिछले में थी कि जो दो बार टर्म आती है, ये दो बार टर्म आती है, इसे मिडल टर्म कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये ओवरलैप नहीं कर रही, मीन ये यहां आनी चाहिए थी, यहां होना अगर केक होता केक और यहां होता लैंप तो इसे डिस्ट्रीब्यूटेड बोलना था, लेकिन अब ये यहां पर है। दूसरा क्या बात की थी कि ये अगर मिडल टर्म कंक्लूजन में है तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो मिडल टर्म यहां पर नहीं है, केक यहां भी नहीं है, केक यहां भी नहीं है, इन दोनों के कंक्लूजन निकल सकते हैं, वो दिए हैं, हमें विचार करना पड़ेगा। पर अगर आपको इजीली पता है कि ये मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो यही कंक्लूजन कोई भी नहीं निकलेगा, मीन दोनों ही गलत निकलेंगे। लेकिन वेन डायग्राम से दूसरी स्ट्रेटेजी से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है ऑल बैग्स आर केक, हम इसका वेन डायग्राम बनाने लगे हैं, ये एक बना लिया हमने, इसको ये उड़ जाता है साथ में, ऑल बैग्स आर केक, यहां पर लिखना है, अगर पीछे कंफ्यूजन हुई है ना आपको, यहां पर लिखिए बैग साइड में बी, ठीक, और दूसरा सर्कल ये बना लिया आपने बड़े वाला, और यहां पर लिख लिया आपने केक। दूसरी क्या थी स्टेटमेंट, उसको देख ले, ऑल लैंप्स आर केक। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये नहीं पता, ये हमने एक डॉटेड ये बनाया, ठीक है, डॉटेड मीन हमें क्लियर नहीं है, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, दूसरा डॉटेड यहां बीच में बनाया, अब हमें ये नहीं पता कि ऑल लैंप्स आर केक्स, जो ये लैंप आएगा यहां पर है, क्योंकि यहां पर भी ये निकल रहा है ऑल लैंप्स आर केक, तो दूसरा यहां आ सकता है कि ऑल लैंप्स आर केक्स यहां आ सकता है, ठीक। तो लैंप की स्थिति वेन डायग्राम में क्या होगी ये क्लियर नहीं है, इसलिए कंक्लूजन नहीं निकल सकता, और लैंप्स केक्स यहां भी ऑल लैंप केक्स निकल रहे बन रहा है, स्टेटमेंट को हम अप्लाई कर रहे हैं, पर दो निकल रही है, दैट इज वाई ये 50-50% है, ये भी 50% जो डाउटफुल है 50% है, ये भी 50% है, 50% से हम 100% का कंक्लूजन सिलोजिज्म में नहीं निकाल सकते। तो कंक्लूजन क्या दिए गए हैं उनको, उन पर विचार करेंगे, कलर चेंज कर ले, ब्लैक कर लेते हैं, चलो
अच्छा, सम लैंप्स आर बैग। अब सम लैंप्स आर बैग, अगर लैंप्स यहां है ना और बैग यहां है तो ये निकल सकता था, लेकिन हमें नहीं पता, दैट इज वाई ये नहीं निकलेगा, क्रॉस हो गया ना, कारण वही बना। तो दूसरा क्या है, नो लैंप इज बैग, नो लैंप इज बैग। अच्छा, एक तो यहां है कि यहां है ये नहीं पता, दूसरा ये नो वाला आ गया है कि नो लैंप, अगर यहां पर लैंप है तो नो लैंप इज बैग नहीं निकल रहा, अगर लैंप यहां पर है और बैग यहां पर है तो नो लैंप इज बैग फिर भी नहीं निकल रहा। तो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन डाउटफुल है, मैं क्या कह रहा हूं, सारा कंक्लूजन आपका जल्दी से क्रॉस क्यों लग रहा है यहां पर कि ये डाउटफुल है, तो दोनों क्रॉस जल्दी हो जाने। ये मैं साथ में प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि अगर ये यहां पर पक्का होता, यहां पर एल यहां पर, तो दूसरे वाला जो कंक्लूजन है, सॉरी सम लैंप्स आर बैग, तो यहां से निकल जाना था, सम लैंप्स आर बैग फिर होना था, क्योंकि ये नहीं है, मैंने ब्लैक कर दिया है, ये डॉटेड ही है। और दूसरा, अगर बाहर होता, एल बाहर है, तो भी ये जो सम लैंप्स आर बैग, सम लैंप्स आर बैग, अगर यहां ऐसे होता है ना और यहां एल होता, सम लैंप्स आर बैग फिर निकल जाना था, सम लैंप्स आर बैग, सम लैंप्स आर बैग, सम लैंप्स आर बैग फिर निकल जाना था, और लैंप्स आर बैग ये नहीं निकलना। ठीक, लर्न आपने क्या करना है कि जो बाहर है उसमें से अंदर वाला निकल रहा है कि नहीं, बाहर वाले से जब अंदर वाले की तरफ आप मूव करते हो तो और वाला नहीं निकलेगा, हां सम वाला ये है, ये प्रैक्टिस कर लीजिए बस, ये सम सी आर एल यस ठीक है, सम एल आर बी यस ठीक है, सम बी आर एल ये ठीक, ये एक्सरसाइज करा रहा हूं, उसको क्वेश्चन को अभी भूल जाइए। ठीक है, अगर मैं ये कहूं ऑल सी आर एल ये गलत है, ऑल एल आर बी ये गलत है, ये ऑल बी आर एल यहां पर ये गलत है। ठीक, तो हां सम वाला अंदर से निकल सकता है, यहां पर दोनों कंक्लूजन नहीं निकल रहे, ये फाइनल। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल फ्लावर्स आर स्टेम, ये जो मिडल टर्म है यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रही ऑल स्टेम्स आर रूट्स। अब किसके बारे में कंक्लूजन निकले हैं, स्टेम बीच में नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो नहीं निकलेगा, स्टेम ऑल स्टेम्स आर फ्लावर्स ये नहीं निकलेगा है ना, यहां पर रूट्स आर फ्लावर, इसके कंक्लूजन निकले हैं, इसके इसके बारे में या इसके इसके बारे में, ये अब देखते हैं कि हमें ये पता है मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन निकलेगा, और दूसरे वाला नहीं है, पहले वाला देखना है निकलता है, लेकिन हम सभी की प्रैक्टिस वेन डायग्राम से करेंगे। सबसे पहले हमने बनाया इसको कि ऑल फ्लावर्स आर स्टेम, जल्दी से मैंने ऑल एफ यहां भी लिखा और ये लिखा स्टेम है ना, आप छोटे छोटा भी बना सकते हो, ऑल स्टेम्स आर फ्रूट, ऑल स्टेम्स आर रूट, ये अब इसको मैं समझाऊं क्या क्या निकल सकता है, ऑल रूट्स आर स्टेम ये नहीं निकल सकता, सम रूट्स आर स्टेम ये निकल सकता है, ऐसे ही ऑल सम आर फ्लावर ये नहीं निकल सकता, सम एस आर फ्लावर ये निकल सकता है, लेकिन यहां पर ये मिडल टर्म है, ये कहते हैं कि बीच में शामिल नहीं होनी चाहिए, और ये वाली ब्लैक कर दी। अब कंक्लूजन किसके बारे में होगा, जहां आर का एफ की तरफ, जहां एफ का आर की तरफ, ठीक, तो ऑल रूट्स आर फ्लावर ये नहीं निकल सकता, सम रूट्स आर फ्लावर इस तरफ ये निकल, ये बिल्कुल ठीक है 100%, ऑल फ्लावर्स आर रूट्स ये ठीक है बिल्कुल, सम फ्लावर्स आर रूट्स ये भी ठीक है। इस वीडियो के इतने पार्ट को रिपीट करके बेशक देख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आता कॉपी पर साथ में नया ए और बी यहां कोई लिख के प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ इसको देखना नहीं है, प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस करने से माइंड में ये सेटिंग होती है। अब पूछा क्या गया है, ऑल रूट्स आर फ्लावर, ऑल रूट्स आर फ्लावर ये नहीं है,
ठीक है, मैंने तो सभी बता दिए, यहाँ दो दिए गए हैं, मैं प्रैक्टिस ज्यादा की करवा रहा हूँ आप। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट है ऑल पपट्स आर डॉल्स, ये देखिए डॉल यहाँ पर आ गया, ये ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज वाई कंक्लूजन निकलेगा। और ऑल डॉल्स आर टॉयज, तो क्या जो है डॉल जो है मिडल में आ रही है कहीं, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, इट मीन अब ज्यादा संभावना हो गई है कि कंक्लूजन निकल सकते हैं। अब ये देखना है कि कंक्लूजन निकल तो सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट है देखना कि ये राइट कंक्लूजन निकाले हैं या रॉन्ग फॉल्स है, ये जहां डाउटफुल है ये देखना है ना, तो देखते हैं। आइए यहां पर है सम पी आर डी, मैंने छोटा कर लिया ना, सम पी, सम नहीं है, ऑल है, सॉरी ऑल पी आर डी, ये रहा डी, और ऑल डी आर ट्वाइस, ऑल डी आर रिपीट कर रहा हूं कि अब मिडल टर्म नहीं है शामिल ये वाली, ओके, तो ऑल टी आर पी यहां से ऐसे, अगर ऑल है तो ये रॉन्ग होता है, अगर यहीं से ऐसे यहां सम है तो ये निकलता है, अब ऐसे याद कर लीजिए। दूसरा ऑल पी आर टी, ये ऑल जो है पी आर टी, हां ये ठीक है। अच्छा सम पी आर टी, सम ये भी ठीक है, इतने की प्रैक्टिस कर लीजिए, याद मत कीजिए, करके बार बार देखिए, ये है ये खुद ब खुद बन जाएगा, क्योंकि इससे आप नेक्स्ट कोई नई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने तो चार कंक्लूजन निकाल दिए, अगर नौ वाले भी निकालने हैं इसमें से निकल सकते हैं, जैसे ऑल पी आर टी है ना, तो नो पी आर टी आता है, अगर नो यहां से इधर को करने लगा हूं, चलो यहां कर लेता हूं, नो पी आर टी, यहां से नो पी आर टी नो आता है ना, नो पी आर टी, तो ये नेचुरली गलत हो जाएगा है ना, तो अगर नो टी इज पी, ये भी गलत हो जाएगा, नो टी यहां से टी इज पी, ये भी गलत हो जाएगा। तो कितने कंक्लूजन लगे, इन्होंने दो ऑप्शन दिए है, हो सकता है आपको कहें कि ये दोनों निकलते हैं, दोनों नहीं निकलते, एक निकलता है दूसरा नहीं निकलता, आइदर वाला आ जाता है, कई कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज वाई आपको सभी की प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये है सम ट्वाइज आर पपट, सम ट्वाइज आर पपट, ये सम वाला आ गया ना, निकल रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, ये निकल गया भाई। दूसरा ऑल ट्वाइज आर पपट, ऑल ट्वाइज आर पपट, ये ऑल लिखा है, ये क्रॉस है, यहां पर ये क्रॉस हो गया, इतनी बात है, तो इसको फिर रिपीट करके दोबारा देखिए, घबराना नहीं है, मेरे जितना नलायक कोई, जितने भी आप देख रहे हो ना, सबसे नलायक अगर निकालना हो तो मैं मेंटल एबिलिटी आईक्यू, मतलब अगर आप मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखें तो बस एक ही थी कि प्रैक्टिस करता गया, बार 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 करता गया, तो इसलिए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। गीता सार को देख लीजिए, अपने गुरु ग्रंथ साहब को देख लीजिए, कर्म 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 पर कितना जोर है, कर्म कीजिए, तो ये नहीं है कि गीता ने यह कह दिया कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए तो फल नहीं मिलेगा, गीता सार ने क्या कहा था कि कर्म इतने प्यार और डेडिकेशन से करो और इच्छा छोड़ दो, फिर बोझ खत्म हो जाता है, लेकिन फल तो मिलना ही मिलना है, गीता सार में भी लिखा है फ्रूट तो मिलना ही मिलना है, तो आपने वो प्रैक्टिस सही करनी है। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, ठीक है, सम ऑरेंज आर, ये हो गया, ये हो गया, इट मीन्स मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो कंक्लूजन किसके बीच में निकालना है, ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी, एप्पल और पपाया के बीच में, या पपाया और एप्पल के बीच में, तो क्या मिडल टर्म, दूसरा देखना है कि मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, सॉरी मिडल टर्म कंक्लूजन में तो नहीं है, ऑरेंज ऑरेंज, सम एप्पल आर पपाया, हाँ नहीं है, सम पपाया आर एप्पल, हाँ नहीं है। अब पिछले से इसमें चेंज क्या है कि इसमें अब सेकंड जो प्रीमिसेस है वो सम वाली आ गई है, तो डायग्राम बनाएंगे, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज,
यहां ओ आ गया। सम ऑरेंज आर पपाया, अब ध्यान से देखिए, सम ऑरेंज आर पपाया, इसका भी सम के तीन वैसे डायग्राम बनने हैं यहां पर। अगर आपने 100% एक्यूरेसी चाहते हो तो उसके लिए क्या है, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ब्लैक वाला। सम ऑरेंजेस आर पपाया, अब मुझे नहीं पता सम ऑरेंजेस मेरा तो यहां से भी है, मैंने डॉट लगाया, ये लिख लिया पपाया, तो सम ऑरेंज पपाया है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी इसकी ये भी तो है ना, ये सर्कल बड़ा हो के ये एप्पल भी सम होते है ना, तो यहां पर पी होती, ठीक है। तीसरी संभावना ये भी है कि ये नहीं हम ड्रा करते, दैट इज व्हाई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। दिस इज द मोस्ट सेंट्रल आइडिया कि जब सम वाली स्टेटमेंट आती है तो तीनों प्रोबेबिलिटी दिखनी है। अब क्या है, क्योंकि यहां पर अब 33, मैंने बताया था ना ये 33-30% हो गया ना, 33-30, 50-50 भी नहीं रहा, तो ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल बना रहा है। लेकिन देखिए क्या कंक्लूजन दिए गए हैं, सम एप्पल्स आर पपाया, सम एप्पल्स आर, ये एप्पल रहे, अगर ये वाली पहले वाली यहां पर लिख रहा हूं, ये मैं फर्स्ट रन कर रहा हूं, अगर प्रोबेबिलिटी वन है, ठीक है, तो ये यहां से यहां अब कर रहा हूं, यहां से निकल गया, तो सम एप्पल्स आर पपाया, सम एप्पल्स आर पपाया, ये वाली नहीं निकलेगी ना, क्योंकि पहली प्रोबेबिलिटी में यह बाहर है। अगर हम दूसरी प्रोबेबिलिटी मान के चले, ये वाली है ना, तो ये वाली निकल रही है, सम एप्पल्स आर पपाया। अगर हम तीसरे वाली लेके चले है ना, तो भी ये निकल रही है, क्योंकि ऑल है तो सम वाली निकलेगी निकलेगी, ये एक नेक्स्ट रूल है, इसको ये लर्न कर लीजिए बेशक। तो हमें क्योंकि ये नहीं पता कि ये सर्कल वेन डायग्राम का यहां ए वन में आएगा, या ये दो यहां आएगा, या तीन यहां सबके बाहर आएगा, दैट इज वाई हम इसका कंक्लूजन ये नहीं निकाल सकते, सम पपायाज आर एप्पल। अब सेम है, सम पपायाज आर एप्पल, अगर वन का है ये पपाया रहा और ये एप्पल, अगर ये होता यहां पर तो सम पपायाज आर एप्पल निकल ही नहीं सकता, क्योंकि इसका एरिया टच ही नहीं कर रहा उसको एप्पल का। हाँ, अगर दूसरे वाले यहां होता तो ये यहां पर होता, तो ये हाँ जी ये टच कर रहा है, अगर दूसरी संभावना होती तो ये निकलना था। इट मीन्स मैं कैसे करता हूं, पहली संभावना में ये रिजेक्ट, एक में रिजेक्ट हो गया, दूसरी संभावना में ये एक्सेप्ट हो गया, देखिए तीसरी संभावना अगर ऑल वाली है, मैंने ऐसे सीखा था, मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है, जरूरी नहीं आपको किसी और से अच्छा इससे बेटर मिल रहा है, आपके लिए जो सूटेबल है जहां से है वो वहां से वो चैनल देखिए, वो जो है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसको अटेंड कीजिए, अगर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा तो इसको अटेंड मत कीजिए। मुझे ये लगता था पहली प्रोबेबिलिटी में ये देखिए मैंने क्रॉस लगा लेता हूं, और दूसरी प्रोबेबिलिटी में मैंने ये टिक लगा लिया, यस अगर ऐसा होता तो निकल आता, अगर तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है यहां तो क्या सम पपायाज आर एप्पल, सम पपायाज आर एप्पल निकलता था फिर, है ना, तीसरी में भी ये निकल रहा है क्योंकि ये सारा ओवरलैप इससे कर रहा है एप्पल से। तो देखिए 33% संभावना है कि ये नहीं निकल सकता, 77 जैसे वो जो भी आपका बनता है 66.3% है ना, इतनी संभावना है कि ये निकल सकता है, क्योंकि हमें पूरा पूछा गया है कि ट्रू या फॉल्स, तो अगर 1% भी कम है तो वो फॉल्स हो गया, इट मींस ये यहां पर नहीं निकल सकता। यूजीसी नेट या हायर लेवल के जो टेस्ट होते हैं उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन हो जरूर बताइए। तो दोनों ही हमारे क्रॉस हो गए हैं। अच्छा, इसको भी आप ऐसे देख सकते हो, सम एप्पल्स आर पपाया के एक में ये वाली एक थी, एक में सम एप्पल्स आर पपाया, सम एप्पल्स आर पपाया है ना, एक में सम नहीं निकल रही, दूसरा सम एप्पल्स आर पपाया, यहां पर सम एप्पल्स आर पपाया, यस दूसरी में निकल रही है भाई,
तीसरी सम एप्पल्स आर पपाया, सारा राउंड यहाँ पर है, तीसरा ये राउंड है लगाया है, तो ये सम एप्पल्स आर पपाया, ऑल एप्पल्स आर पपाया भी निकल रहा है, सम भी निकल रहा है, तो ये तीसरी में ये है। अगर यहाँ पर ये देती होती कि ऑल एप्पल्स आर पपाया है ना, कितने परसेंट संभावना है, तो चौथी वो होती कि ऑल एप्पल्स आर पपाया, यस वो भी निकलती। तो ये 100% एक्यूरेसी से इतनी संभावना आप कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट सम प्लेयर्स आर, सम पहले आ गया, ये बाद में था, ये नई सिचुएशन होगी, तो ऑल सम प्लेयर्स आर सिंगल, ये यहां है और ऑल सिंगल यहां से शुरू हो रही है, ये डबल अंडरलाइन, ये मिडल टर्म है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मीन्स कंक्लूजन निकलने की संभावना है, कंक्लूजन इसके बारे में, ये मिडल टर्म बीच में नहीं आएगी, क्या आ तो नहीं रही, यहां पर नहीं आ रही, यहां पर नहीं आ रही, अगर आ रही होती तो डिलीट हो जाना था। तो ये हो गया, किसके बारे में निकल रहे हैं, प्लेयर और टाल के बारे में निकल रही है, टाल और प्लेयर के बारे में, ये है प्लेयर और टाल के बारे में और प्लेयर और टाल के बारे में, दो इट मीन्स के ये जो कंक्लूजन दिए गए हैं उस पर हमें काम करना चाहिए। तो अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा उस पर देख लेते हैं ध्यान से। सम प्लेयर्स आर सिंगल, सम पीज आर एस, ये बनाने लगा हूं, सम पीज आर एस, ये रहा सम पीस, ओके, तो दूसरा हो गया सम पीज आर, ये रही एस, ओके, दूसरा हो गया ऑल सिंगल्स आर टाउ, ऑल सिंगल्स आर टाउ, तीसरा कलर दूंगा ऑल सिंगल्स आर टाउ। अब ऑल की संभावना यहां तक तो भी पक्की है, ये रही यही, ठीक, अब ये नहीं पता कि ये इधर से गुजर के जाती है जहां प्रोबेबिलिटी नंबर वन, दूसरे कलर से लिख लो, ये प्रोबेबिलिटी नंबर वन हो गई, ओके, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये हो सकता है इधर से नहीं, इधर से बाहर से पूरी इसको पी को कवर करती हो जाए, पी को कवर कर रही है कि नहीं कर रही, ये इसके बारे में डाउट है, दैट इज वाई हमने दो प्रोबेबिलिटीज यहां पर बनाई है, क्योंकि हम अच्छी तरह से उसको एनालाइज कर सके। आइए अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है और कितने कितने हमारे 100% निकल रहे हैं और कितने कितने हमारे पार्शली निकल रहे हैं। कौन सा पेन लू, ये वाला फर्स्ट है, सम प्लेयर्स आर टाल, सम प्लेयर्स आर टाल, ये जो फर्स्ट वाली संभावना है यहां पर मैंने लिखी, फर्स्ट वाली संभावना ए, ये एक सम प्लेयर्स आर टाल, ये टाल यहां लिखना था कि ये टाल वाली है, सम प्लेयर्स आर टाल। अब पी का और टी का फर्स्ट कम से कम प्रोबेबिलिटी वाली में भी ओवरलैपिंग है, एरिया मिल रहा है ना, इट मींस सम पी आर टी है, सम पी आर टी है, फर्स्ट जो है ये वाला जो है पहले 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 की 100% संभावना है इसकी, ये रहा, ओके, तो दूसरा ऑल, अच्छा दूसरी प्रोबेबिलिटी में भी देखना है आपने, दूसरी प्रोबेबिलिटी में इसी को अगर आपने देखना है कि सम प्लेयर्स आर टाल, तो क्योंकि ऑल प्लेयर्स आर टाल आ रहा है इसमें, है ना, तो दूसरी में भी अगर दूसरी संभावना होती तो 100% निकलता, दूसरी में भी निकलता, तो फर्स्ट में ही क्योंकि निकल रहा है, मिनिमम वाली में निकल रहा है, दैट इज वाई ये पक्का कंक्लूजन हो गया, इसको टिक कर लीजिए। अच्छा दूसरा, अगर ये पूछा होता कि ऑल प्लेयर्स आर टाल, अच्छा है ऑल प्लेयर आर टाल है, तो क्या होना था, तो फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी है इसका देखने लगे हैं, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में यहां पर, क्योंकि ये इतना एरिया टच कर रहा है, ये वाला एरिया टच नहीं कर रहा, दैट इज वाई ऑल प्लेयर्स आर टाल नहीं हो सकता, पहले में ही 100% जो है वो ये गलत होगा, हाँ 50% ये ठीक हो सकता है कि 50% एरिया टच कर रहा है, तो 50% का मतलब है कि सम वाला ठीक होना था, तो यहां ऑल वाला गलत है, ये पक्की बात हो गई, ऑल नहीं निकल रहा, ऑल प्लेयर्स आर टाल, अगर दूसरी संभावना में देखते तो, है ना, तो ये सारा रेड वाला जो है टी में कवर हो रहा है, यहां से अगर होता ये बना देता हूं दोबारा, तो ये पी सारी टी में आ रही है, सारी पी टी में आ रही है, ऑल प्लेयर्स आर टाल, तो ये निकल जाना था, लेकिन क्योंकि ये हमें पता नहीं यहां से निकल के जाता है, यहां से निकल के जाता है ना,
अगर यहां से होता तो ये 100% हो जाता, क्योंकि ये पता नहीं है, डाउटेड है, दैट इज वाई ये हम श्योर नहीं कह सकते, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है। तो यहां पर डाउटफुल को भी आपने क्रॉस ही करना है। इसका मतलब क्या होगा, अगर दो वाला सर्कल हमारा बन रहा है, दो नंबर वाला, तो ये जो है ये वाला कंक्लूजन, ये 100 ये ठीक होना है। अगर फर्स्ट वाला देखते हैं तो ये गलत होना है। इट मीन्स 50% संभावना इसकी ठीक होने की, 50% गलत होने की है। दैट इज वाई इसको डाउटफुल लिखा। तो फिर इसकी 50% संभावना है, सीधी बात ये है, पहली सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी में 50% है। तो इन्होंने तो सही या गलत ही पूछा है, दैट इज वाई ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल कॉइन्स आर क्रोस, ये रही क्रोस, और नेक्स्ट ये मिडल टर्म आ गई, मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, ओवरलैप्ड है, तो कंक्लूजन निकलने की संभावना है। कंक्लूजन किसके बारे में निकालना है, क्वाइंस एंड पेन के बारे में, ये रहा जहां पेन एंड क्वाइन के बारे में। अगला रूम के अगर दोनों ये इस मिडल टर्म जो है कंक्लूजन में शामिल है तो वो नहीं निकलेगा। तो क्वाइंस एंड पेन पर है, ये क्वाइन एंड पेन पर है, क्वाइन एंड पेन पर है, दोनों ही, मिडल टर्म नहीं है। तो हम देखते हैं वेन डायग्राम बना के कि क्या संभावनाएं बनती हैं इसके निकालने की। ऑल क्वाइंस एंड क्रोस, दोनों सी सी है, दैट इज वाई सी ओ सी आर लिखूंगा। ऑल को इज क्रो, ऑल को इज क्रो, दूसरी से बना लो, ये रही सम क्रोज आर पेन, सम क्रोज प्रोबेबिलिटी वन, मैंने यहां से बनाई, ठीक है, ये हो गई प्रोबेबिलिटी वन। प्रोबेबिलिटी टू के पार्शियली इसको टच करके जा रही है, ये हो गई प्रोबेबिलिटी टू, और तीसरी प्रोबेबिलिटी के ये सारी क्रो को टच करके जा रही है, ये हो गई तीन। ओके, देखते हैं नंबर एक, जो डॉटेड है वो डाउटफुल है। फर्स्ट है नो पेन इज क्वाइन, नो पेन इज क्वाइन, अगर पहली संभावना लेके चलते हैं नंबर एक, ये वाली यहां से, ये देखिए ये यहां से है, ठीक है, तो नो पेन इज क्वाइन, ये वाला जो फर्स्ट है ये निकल रहा है, ये सही आ रहा है, ठीक है। अगर दूसरी वाली संभावना लेके चल रहे हैं, नो पेन इज क्वाइन, नो पेन इज क्वाइन नहीं, ये ओवरलैप क्वाइन को कर रहा है दूसरी संभावना में, दूसरी प्रोबेबिलिटी में, तो ये गलत होगा। तीसरी में ये सारे को कवर कर रही है, थर्ड, ये रहा थर्ड, नो पेन इज क्वाइन नहीं, ये गलत होगा, थर्ड प्रोबेबिलिटी में भी ये गलत होगा। तो इट मीन्स इसकी 33.33% संभावना है ठीक होने की, 66.663 जो है वो गलत होने की, ये इतनी एक्यूरेसी में मैं जा रहा हूं। तो ये क्योंकि एक भी क्रॉस आ गया तो ये क्रॉस होगा, ये नहीं निकलेगा। वैसे भी जो वो रूल अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो गए। तो दूसरा है सम क्वाइंस आर पेन, सम क्वाइंस आर पेन, ये रहे सम क्वाइंस आर पेन, प्रोबेबिलिटी वन में, यहां पर लिखे, यहां पर कहां लिखे, प्रोबेबिलिटी वन में इसको लिखते हैं, यहां पर प्रोबेबिलिटी वन, प्रोबेबिलिटी वन यहां से क्वाइन को टच ही नहीं करती। सम क्वाइंस आर पेन, तो पहली में कोई संभावना नहीं है, दूसरी में सम क्वाइंस आर पेन, ये दूसरी यहां पार्शली आधे को टच कर रही है, इट मीन सम क्वाइंस आर पेन, दूसरी में ये ठीक हो सकती थी, ठीक, तीसरी में सम क्वाइंस आर पेन, अगर सभी को होते तो उसमें से सम निकलना था, थर्ड ये है, क्योंकि एक क्रॉस आ गया इतने सम ने क्रॉस कर देना है। ये आपको मतलब आपने जल्दी वहां रिस्पांस लगा देना है अगर इससे पहले निकल आता है, लेकिन मैं लास्ट तक जा रहा हूं कि अगर डिफिकल्टी लेवल ये नहीं इससे ज्यादा वाला आता है, मान लीजिए ऐसे पूछा जाता है आपको कि ये स्टेटमेंट है, तो निम्नलिखित में से कौन सी डाउटफुल होगी, है ना,
तो डाउटफुल ये भी, ये दोनों ही फिर टिक हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे, क्योंकि ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउट। कौन सी 100% ट्रू होगी वो हमारा ये क्वेश्चन है, कौन सी 100% फॉल्स होगी, कौन सी 100% फॉल्स होगी, कोई भी नहीं होगी, क्योंकि 33% पहली वाली इस सब की संभावना है ठीक होने की, और इसकी 66% है सेकेंड वाली की संभावना। तो क्वेश्चन की ऑप्शन ये कैसे आती है, इसके लिए मैं इतनी इन डेप्थ करवा रहा हूं। अगर आपको मतलब मुझे नहीं पता कि आपके अगर तो फेस टू फेस आप बात करते होते ना, तो फिर बात बननी थी कि आप क्वेश्चन पूछते और मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मेन आर मैरिड, हाय रब्बा सभी का हो गया बेचारे सभी का हो गया, ऑल मेन आर मैरिड, वेरी सॉरी, सम मेन आर एजुकेटेड, ओके। तो अब अगर आप एजुकेटेड हो तो फिर आप मैरिज के चक्रों में कैसे पड़ गए, चलो अजीब बात है लेकिन हमें तो सॉल्व करना है, देखते हैं अच्छा, मिडिल टर्म इसमें मेन है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैरिड और एजुकेटेड के बारे में कंक्लूजन निकाल लेंगे, एजुकेटेड और मैनी के बारे में, यहां पर मैरिड और एजुकेटेड है, एजुकेटेड और मैरिड है, हाँ कंक्लूजन निकलेगा। अब इसको ड्रा कर लें कि वेन डायग्राम से इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट इज ऑल मेन आर मैरिड, ये रहे ऑल मेन, यहां पर मेन पूरा लिख लिया, और ये रहे मैरिड, ये सर्कल ये कहां गया भाई, ये आ गया, ये हो गई एम डी मैरिड, एड भी डाल सकते हो, मैरिड और मैड में कोई डिफरेंस तो ज्यादा नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, उनका दिल रखने के लिए कर लेते हैं। अच्छा, सम मेन आर एजुकेटेड, ये प्रिंसिपल है, ये प्रॉब्लम है, अगर डिफिकल्टी लेवल आपको ज्यादा आता है तो सम वाली जो स्टेटमेंट है उसको कैसे ड्रा करना है, पहले ये देख लें जो पक्का होगी ही, सम मेन आर एजुकेटेड, मैं कलर चेंज करूंगा, ये वाला ये नीला वाला, सम मेन आर एजुकेटेड इट मींस ये वाला एरिया जो है कवर होगा ही होगा, अगर ये कवर हो रहा है तो ये एक तो पक्का बन गया ना, ये तो 100% हो गया, लेकिन और प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं ये लर्न करना है। सम मेन आर एजुकेटेड, यहां पर एजुकेटेड भी लिख लिया, सम मेन आर एजुकेटेड हैं वहां स्टेटमेंट दी गई, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी तीन होगी, नंबर एक तो ये जो पक्की वाली है एक, नंबर दो पर ये क्या हो सकती है कि हो सकता है कि सम मेन आर एजुकेटेड में ये संभावना हो कि ये सभी मेन को कवर कर रही हो, ये संभावना हो गई, यहां पर प्रोबेबिलिटी सेकेंड डाल दिया, और तीसरी भी संभावना हो सकती है कि एजुकेटेड का एरिया जो है, स्टेटमेंट क्या थी, सम मेन आर एजुकेटेड, सम मेन आर एजुकेटेड है ना, तो जो मैरिड है वो एजुकेटेड वाला, तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये सारे को कवर कर रही हो, ये वही तो ये बन गई तीसरी प्रोबेबिलिटी। यहां पर अगर एंट्रेंस टेस्ट है तो ये इतने डिफिकल्ट नहीं आते, अगर हायर लेवल यूजीसी नेट का एग्जाम है ऐसे है ना, तो ये ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको पूछी जाएगी कि क्या डाउटफुल है, ट्रू है, फॉल्स है, तो उसके लिए ये तैयारी है, साथ में हो सकता है इंटरेस्ट में भी ऐसा डिफिकल्ट आ जाए। ओके, अब क्या है, सम मैरिड आर एजुकेटेड, ये है कि हमने कलर को चेंज कर लेना है, ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन कम हो जाएगी। सम मैरिड आर एजुकेटेड, ये रहे मैरिड और ये रहे एजुकेटेड, तो ये रहा नीला सर्कल, इट मीन नीला सर्कल और मैरिड वाला ये वाला पोर्शन मिल रहा है जो मैंने ब्लैक किया है, इट मीन्स कि ये वाला पोर्शन यहां तक मिल रहा है। सम मैरिड आर एजुकेटेड मिनिमम पहली प्रोबेबिलिटी एक में ये पहली प्रोबेबिलिटी यहां लिख रही है, एक में ये निकल रहा है, टिक लगा लिया, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी में ये यहां से जाता है, सम मैरिड आर एजुकेटेड वहां भी निकल रहा है क्योंकि एरिया और ज्यादा मिल गया है, सारे मैन आ गए बीच में, तो यहां सारे मैन है तो सॉरी सभी मैरिड नहीं आए बेशक, हाँ सम मैरिड आर एजुकेटेड है ना, तो मैरिड का एरिया बड़ा हुआ है तो उससे भी सम दो की प्रोबेबिलिटी में सम भी निकल रहा है कि ये वाला है और ये भी है, सम का थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया, सम का सम ही रहेगा तो सेकेंड में भी निकल रहा है। थर्ड
सम मैरिड आर एजुकेटेड, थर्ड ये प्रोबेबिलिटी थी, सम मैरिड आर एजुकेटेड, ठीक है, तो ऑल मैरिड आर एजुकेटेड भी निकल रहा है, थर्ड में भी ये निकल रहा है, ठीक। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या हो गया, 100% ट्रू निकलेगा ही निकलेगा, सम मैरिड आर एजुकेटेड। तीनों संभावनाओं में पहली ये एग्जांपल है कि तीनों सर प्रोबेबिलिटीज में जो है जो कंक्लूजन निकलने की संभावना 100% क्लियर है, ये भी 100% क्लियर है, 100% क्लियर है, 100% क्लियर है, दैट इज व्हाई ये 100% एब्सोल्युटली ट्रू निकलेगा ही निकलेगा ये कंक्लूजन। अब अगर दूसरा देख ले कि पहले इसकी देख ले कि इसकी जगह पर अगर ऑल मैरिड आर एजुकेटेड होता तो क्या होना था, तो पहली संभावना में क्योंकि ये इतना पार्शियली मिल रहा है ऑल मैरिड आर एजुकेटेड है ना, तो ये वाला पोर्शन नहीं मिल रहा, तो ऑल में पहली में जो होना था वो गलत हो जाना था, अगर ऑल होता तो उसकी संभावना में बात कर रहे हैं, तो दूसरी संभावना में यहां पर जा रहा है ऑल मैरिड आर एजुकेटेड, यहां से ऑल मैरिड नहीं, ये वाला पोर्शन अभी रह रहा है, ये शामिल मैरिड वाले ये नहीं आ रहे, दैट इज वाई दूसरी संभावना में भी पहली में भी हो गया, दूसरी में भी क्रॉस हो गया। तीसरी में अगर ये वाला सर्कल यहां से बाहर से गुजर के जाता तो क्या होता, ऑल मैरिड आर एजुकेटेड, तो ऑल मैरिड आर, हाँ जी, तो ये हरे वाला सारा बीच में आ जाना था ना, तो तीसरी संभावना में ऑल मैरिड आर एजुकेटेड की प्रोबेबिलिटी थी, मतलब ऑल की प्रोबेबिलिटी 36% है, 66% इसके गलत होने की संभावना अगर ऑल यहां पर होता तो। अच्छा, तो अगर एक भी प्रोबेबिलिटी क्रॉस हो रही है तो ये आप यहां पर क्रॉस ही लगाओगे, अगर डाउटफुल की पूछा, अगर ये पूछा गया है कि फॉलोइंग कंक्लूजन आर ड्रॉन फॉलोड है ना, तो अगर फॉलोड लिखा है तो आपकी एक प्रोबेबिलिटी क्रॉस हो रही है, आप उसको क्रॉस कर दीजिए, यहां पर कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो ये आपकी एक्सरसाइज करा हूं किस हद तक, अगर एक क्रॉस आता है तो वो गलत आपने कर देना है, अगर सभी ठीक आते हैं जैसे यहां पर आए हैं तो 100% ट्रू है, अगर सभी एक जहां सभी क्रॉस आ गए फिर तो गलत है ही है, अगर एक क्रॉस जहां एक ठीक मिनिमम होता है तो डाउटफुल होगा, इसको डाउटफुल बोलेंगे है ना, ये 100% ट्रू हो गया और ये वाली एग्जांपल क्या हो गई, डाउटफुल की, जहां पर एक ठीक है और एक क्रॉस है या दो क्रॉस है, अगर दो टिक और एक क्रॉस होता तो भी डाउटफुल होना। अच्छा, नेक्स्ट तो किया ही नहीं, सम एजुकेटेड आर मैरिड, अब ये देखिए इसको उड़ा देते हैं ऐसे, सम एजुकेटेड आर मैरिड, यहां पर सम एजुकेटेड ये वाले जो है और मैरिड का कॉमन एरिया है तो ये भी निकल रहा है, पहली संभावना में ये निकल रहा है, ये हो गया पहली संभावना, यहां पर टिक लगा दिया कि यस निकल रहा है, दूसरी अगर ये यहां से होती तो भी, क्योंकि इसका एरिया बड़ा हो रहा है, सम का है ये, सम बड़ा ही है लेकिन सम का सम ही रहेगा, लेकिन मैरिड का एरिया ये वाला बढ़ गया ना, तो दूसरी संभावना में भी ये टिक ही रहेगा। तीसरी संभावना अगर ये सर्कल इतना बड़ा होता, तीसरी संभावना ये वाला है उसमें मैन और ये भी सारे शामिल हो गए, सम एजुकेटेड आर मैरिड, सम एजुकेटेड आर मैरिड, तो भी ये निकलना था तीसरी संभावना में भी, मीन ये 100% निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, अगर ये होता ऑल एजुकेटेड आर मैरिड तो पंगा बढ़ना था, क्यों कि तीसरी जो संभावना ये वाली भी है, ये तीसरी संभावना लेके चले थे ना, ऑल एजुकेटेड आर मैरिड, फर्स्ट संभावना में ये वाला ऑल एजुकेटेड आर मैरिड, क्योंकि ये वाला पोर्शन नहीं शामिल हो रहा मैरिड में तो ये नहीं निकलना था, ठीक। तो अगर सेकंड वाली होती हाँ तो भी ये वाला एरिया नहीं शामिल, सेकंड में भी ये नहीं निकलना था, थर्ड ये अगर यहां होती क्योंकि ये एरिया शामिल नहीं है तो भी ये नहीं निकलना था, इट मीन्स ऑल एजुकेटेड आर मैरिड अगर ये होता तो ये 100% फॉल्स ही होना था, ये 100% ठीक होना था।
अगर ऐसे होता उल्टा होता कि ऑल मैरिड आर एजुकेटेड, ऑल मैरिड है, ये बात ऊपर हो चुकी है डिस्कस।